गाइस, कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज सुनी होगी कि धनास चंडीगढ़ से तोगा न्यू चंडीगढ़ के लिए जो रोड बन रही थी उसका काम रुका हुआ था एंड उसका काम अब शुरू कर दिया गया है। बहुत ही जल्दी ये जो रोड है बनके तैयार हो जाएगी। अभी मैं उसी रोड के ऊपर खड़ी हूँ जिसका नाम है PR4 दक्षिण मार्ग एंड आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो इसी रोड के साथ कनेक्टेड रहेगा जिसका नाम है ऑल्टस। एंड यहाँ पे आप देखेंगे एक बार यहाँ पे देखेंगे तो ब्रिज बन रहा है यहाँ पे, मतलब इस एरिया का, इस रोड का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है, तो आपके लिए यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिलने वाली है आपको। अगर मैं आज के हमारे प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात करूँ तो ये लोकेटेड है न्यू चंडीगढ़ में एंड सिर्फ 5 मिनट्स ड्राइव पे है हमारे चंडीगढ़ से एंड कनेक्टेड है हमारे 2 मेजर हाईवेज के साथ। फर्स्ट इज योर PR4 एंड सेकंड इज योर PR7। PR4 मींस दक्षिण मार्ग एंड PR7 मींस इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड। इट मींस आप यहाँ से इजिली कहीं के लिए भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं दक्षिण मार्ग की बात करूँ तो यहाँ से होते हुए आप जरकपुर, अम्बाला, दिल्ली के लिए, शिमला के लिए इजीली एक्सेस कर सकते हैं एंड फर्दर ये दक्षिण मार्ग आपके मध्य मार्ग को कनेक्ट करता है, तो आप इजीली बद्दे सिसवा, हिमाचल के लिए भी यहां से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एंड अगर मैं PR7 की बात करूं तो आप एयरपोर्ट के लिए, लुधियाना के लिए, फर्दर पंजाब के लिए आप इस साइड से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एंड अगर इतने मेजर रोड्स हमारे आसपास होते हैं तो इट मींस कि नियर बाय जितने भी हब्स हैं, जितने भी मेजर हब्स हैं उनका एक्सेस भी हमें इजीली मिल जाता है। यहां पे अगर मैं नियर बाय हब्स की बात करूं तो आपका मेडिसिटी, आपका एजुकेशन सिटी, PGI, बहुत सारी चीजें आपको नजदीक में मिल जाती हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मिल जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वैसे इंडिया में क्रिकेट का बुखार जो है वो बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे लोगों को क्रिकेट देखना पसंद होता है। अगर आप भी उनमें से हैं तो ये क्रिकेट स्टेडियम आपके बहुत नजदीक रहने वाला है, आप मजे से आइए और यहाँ पे मैच देख सकते हैं। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे इस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है वो कितनी तेजी से हो रही है, इसी को देख के आइडिया लगा सकते हैं आप एंड आने वाले टाइम में ये जो एरिया ये कितना ज्यादा डेवलप होने वाला है। अभी मैं एंटर कर चुकी हूँ आज के हमारे प्रोजेक्ट में। जिस टाउनशिप का आज मैं आपको टूर करवाने वाली हूँ उसका नाम है ऑल्टस एंड द स्पेशलिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज कि ये न्यू चंडीगढ़ का सेकंड सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है जो फर्दर डिवाइडेड है 2 फेजेस में एंड 5 ब्लॉक्स में। वैसे तो आपको यहाँ पे 5 ब्लॉक्स में पोजेशनेबल प्लॉट्स मिल जाएंगे, बट आज स्पेशली मैं आपको ई ब्लॉक का टूर करवाने वाली हूँ जो कि कनेक्टेड है आपके PR4 दक्षिण मार्ग के साथ। तो आइए हमारा टूर शुरू करते हैं। अभी मैं आ चुकी हूँ हमारे ई ब्लॉक में। आप मेरे पीछे यहाँ पे प्लॉट्स देख सकते हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट साइजेस में प्लॉट्स मिल जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 100 स्क्वायर, 150 स्क्वायर, 200 स्क्वायर, 250, 300 एंड 350 स्क्वायर यार्ड तक। आप अगर कोई किसी पर्टिकुलर साइज के लिए सर्च कर रहे हैं तो आप ये ऑप्शन आपके लिए है, क्योंकि न्यू चंडीगढ़ में बहुत जगह ऐसा होता है कि आपको 100 स्क्वायर, 150 स्क्वायर के प्लॉट्स जो हैं इजीली नहीं मिलते हैं, तो आप उस तरीके से भी इसको देख सकते हैं, इट कैन बी ऑप्शन फॉर यू। एंड सेकंड थिंग, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई चीज सर्च कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर प्लॉट साइज सर्च कर रहे हैं, तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि ये जो हमारा आज का प्रोजेक्ट है ये ऑन रोड प्रोजेक्ट है, डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे दक्षिण मार्ग के साथ। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर एमिनिटीज का होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पे हम अपना घर बनाने वाले हैं वहाँ हम रहेंगे तो है ही, बट हमारी जो नॉर्मल लाइफ होती है उसको बैलेंस करने के लिए वहाँ पे एमिनिटीज अगर होती हैं तो लाइक हम अपना जो हेल्थ है उसको मेंटेन रख सकते हैं एंड लग्जरी जो लाइफ है उसको और ज्यादा ग्रूम कर सकते हैं, हमारा जो एंटरटेनमेंट है उसको इंजॉय कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपके प्रोजेक्ट में होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज जिस प्रोजेक्ट में मैं आपको टूर करवा रही हूँ जिसका नाम ऑल्टस है, उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको बहुत सारी एमिनिटीज भी मिल जाएंगी। आपको क्लब हाउस मिल जाएगा जिसमें जिमनाजियम, कम्युनिटी हॉल, ग्रीन एरियाज, लश ग्रीन पार्क्स, वाइड रोड्स, स्ट्रीट लाइट, आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो आइए चलते हैं एमिनिटीज को टूर करते हैं। गाइस, हमने एमिनिटीज की बात करी थी, तो अभी खड़ी हूँ मैं हमारे आज के प्रोजेक्ट ऑल्टस के एक बहुत बड़े पार्क में, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने पार्क को मेंटेन कर रखा है, जिसको आप मल्टीपर्पसली यूज कर सकते हैं। आप वॉकिंग कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रैक्स बने हुए हैं, आप
आपके बच्चों के साथ आप खेल सकते हैं। जैसे आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे किड्स प्ले एरिया भी बने हुए हैं, झूले लगे हुए हैं, तो उस पर्पज से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे वहां पे आपकी सिटिंग के लिए भी अरेंजमेंट किया गया है, तो आप बैठ भी सकते हैं यहाँ पे। जैसे आगे अभी सर्दियां चल रही हैं, तो आप यहाँ पे धूप सेक सकते हैं, बैठ के अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। एंड गाइस, प्रोजेक्ट के अंदर ही जैसे हम एमिनिटीज की बात कर रहे हैं, तो आपको प्रोजेक्ट के अंदर ही वाइड रोड मिल जाएंगे, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स मिल जाएंगी। तो चलिए अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। गाइस, प्रोजेक्ट के अंदर ही आपको 40 फीट वाइड रोड मिल जाते हैं। एंड आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। एंड प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लाइक योर सीवेज सिस्टम, योर वाटर सप्लाई पाइप्स, वो सारा यहाँ पे ऑलरेडी डन है। तो आप यहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो आपके प्लॉट हैं ये रेडी टू पोजेशन है। तो अगर आप अभी प्लॉट्स बाय करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। गाइस, जब भी कभी हम कहीं पे घर खरीदते हैं ना, या फिर कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। लाइक आपका लोकेशन एंड कनेक्टिविटी तो होता ही है ऑफ कोर्स, बट प्रोजेक्ट के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी नीड होती है, आपको चाहिए ही चाहिए होती हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट में जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीजें दिखा भी दी हैं, आपके पार्क्स, आपको वाइड रोड, स्ट्रीट लाइट, बट इसके अलावा भी बहुत सारी जो इक्वेशंस हैं वो लोगों के मन में चल रही होती हैं। लाइक सबसे इम्पोर्टेंट उसमें ये आ जाती है कि आपको जो घर है वो एग्जैक्ट प्रोजेक्ट के अंदर भी कौन सी लोकेशन पे चाहिए। आपको पार्क फेसिंग घर चाहिए, आपको कॉर्नर घर चाहिए, आपको रोड फेसिंग घर चाहिए, लाइक बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको वास्तु फ्रेंडली घर चाहिए होता है, ईस्ट फेसिंग चाहिए होता है, वेस्ट फेसिंग चाहिए होता है। तो ये सारी जितनी भी आपकी जो क्वेरीज हैं, आपकी जितनी भी डिमांड्स हैं, वो सारी हम फुलफिल करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास वो सारी ही चीज़ें अवेलेबल हैं। तो गाइज, ये जो आप प्रोजेक्ट का टूर मैं आपको आज करवा रही हूँ, इसमें हम आपकी सारी डिमांड्स पूरी करने वाले हैं। अगर आपको पार्क फेसिंग घर चाहिए, हमारे पास वो भी यूनिट अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के सामने जो है वो नेचुरल वाइब्स जो है बनी रहें, आपके घर के पास पार्क हो जहाँ पे आपके बच्चे खेल सकें, या फिर आपके घर में कोई बुजुर्ग है वो वॉक कर सके, तो वो भी हमारे पास यूनिट अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉर्नर में घर बनाना है बिल्कुल साइड में, तो वो भी हमारे पास चीज़ अवेलेबल है। आपको वेस्ट फेसिंग चाहिए, आपको ईस्ट फेसिंग घर बनाना है, वो भी हमारे पास चीजें अवेलेबल है। एंड द बेस्ट थिंग ये नहीं है कि सिर्फ बड़े प्लॉट साइज में ही ये चीजें अवेलेबल है, आपको 100 गज 150 गज के प्लॉट में भी ये सारी ही चीजें मिल जाएंगी। एंड एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आप मेरे पीछे यहाँ पे घर देख सकते हैं, ये घर ऑलरेडी बन चुका है। यहाँ पे एक घर है, पार्क फेसिंग घर है ये, इसकी कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है। एंड अगर आप इस साइड देखेंगे, यहाँ पे घर ऑलरेडी बन चुके हैं, उसके सामने आप लोग भी देख सकते हैं, गाड़ियां देख सकते हैं, इट मींस लोग यहाँ पे रह रहे हैं। एंड लोग उसी एरिया में रहते हैं जहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो ऑलरेडी हो गई होती है। तो हमारे पास जो इन्वेंट्रीज हैं वो पोजेशनेबल हैं, आप भी यहाँ पे प्लॉट्स बाय करके अपना घर बनाना शुरू कर सकते हैं। तो गाइज, अब तक हमने सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया, मैंने आपको प्लॉट्स भी दिखा दिए, साइजेस भी बता दिए, लोकेशन भी आपको सारी बता दी, कनेक्टिविटी भी बता दी थी। अब हम आते हैं हमारी मेजर चीज़ के ऊपर जो आ जाती है, फर्स्ट तो आपका लोन ऑप्शन एंड सेकंड इज योर पेमेंट प्लान, जो कि दोनों ही चीज़ें आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं लोन ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आप किसी भी बैंक के थ्रू लोन कर सकते हैं, सारे ही बैंक्स के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। एंड सेकंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो बड़े प्लॉट साइजेस हैं उन्हीं में लोन के ऑप्शन अवेलेबल है, आपको छोटे प्लॉट साइजेस में भी लोन के ऑप्शन मिल जाएगी। एंड सेकंड चीज आ जाते हैं हम पेमेंट प्लान के ऊपर, जो पेमेंट प्लान आपको यहाँ पे मिल रहा है वो विद वेरिएशन मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको जो पेमेंट है वो स्टार्टिंग में ही करनी है, सारी करनी है एक साथ ही, आपको इसमें भी वेरिएशन मिल जाएंगी। उसके लिए ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आज की जो मैंने आपको डील ये बताई है, आज के जो प्लॉट्स मैंने आपको दिखाए हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी डील साबित होगी अगर यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं, या फिर अपने पर्पस के लिए भी आप यहाँ पे प्लॉट्स बाय कर सकते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट, आपका जो ये प्रोजेक्ट है ये ऑन रोड प्रोजेक्ट है, कनेक्टेड है आपके दो हाईवेज के साथ जो कि आपके मेजर हाईवेज हैं, तो इट मींस आपको कहीं के लिए भी एक्सेस करना हो आप इजीली वहां से कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। उसी के साथ आपको एक्सेस मिल जाता है नियर बाय हॉटस्पॉट्स के लिए,
जो बहुत सारे हैं, आपका एजुकेशन सिटी, आपका मेडिसिटी, आपके कॉलेजेस, आपका PGI, सारे आपको नियर बाय में यहाँ पे मिल रहा है, आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूंगी यहाँ पे प्लॉट साइजेस की, वो भी आपको डिफरेंट मिल रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यू चंडीगढ़ में बहुत कम ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको मल्टीपल प्लॉट साइजेस मिलते हैं, तो वो भी ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको यहाँ पे लोन ऑप्शन भी अवेलेबल है एंड जो आपका पेमेंट प्लान है वो भी विद वेरिएशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो आपकी नीड के अकॉर्डिंग, आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्लॉट्स बाय कर सकते हैं, जैसे जिस तरीके से आप करना चाहें, लोन के थ्रू करना चाहें, पेमेंट प्लान एडजस्ट करके करना चाहें, वैसे आप कर सकते हैं। ऐसे ही प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ट्राइसिटी प्रॉपर्टी गुरु, हम वहाँ पे भी आपकी सर्विस में अवेलेबल हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।